नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकुड़ स्थित महेशपुर के गाय बथान में चर्चित जमीनी विवाद को लेकर मंगलवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे गाय बथान गांव पहुंचे, जहां घायल परिवार से मिलकर सांत्वना देते हुए उक्त जमीन पर आज से ही काम शुरू करवाने की बात कही। वहीं सांसद श्री दुबे ने तत्काल हाथों हाथ ऑनलाइन 25,000 रूपए पीड़ित परिवार के खाते में ट्रांसफर कर फिलहाल झोपड़ी और घेराबंदी शुरू करने की बात कही। वहीं उपस्थित अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा को गाय बथान पंचायत का सर्वे कर कब्जा किए गए आदिवासी की जमीन को चिन्हित करने का निर्देश दिया। साथ ही मौके पर उपस्थित महेशपुर SDPO विजय कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जानलेवा हमला करने वाले नामजद अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। वहीं सांसद श्री दुबे ने कहा कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के तहत कोई आदिवासी की जगह नहीं ले सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हर एक गांव का सर्वे कराया जाएगा और जहां जहां आदिवासी की जमीन जबरन कब्जा किए हुए हैं वैसे घरों पर बुलडोजर चलाकर घरों को ढा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। क्या सर देखे यहां पर दौरा जो किया ये गाय बथान में आदिवासियों का जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ जो है मारपीट की, दो लोग तो किसी तरह से अपना जान बचाए और जो सिचुएशन है इस गांव का, केवल साथी जमाबंदी लोग था जो बाहर के लोग लगता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों में संरक्षक हो, उन्होंने जबरदस्ती जो है मकान बना लिया, आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया। संथाल बना टेनेंसी एक्ट का कंप्लीट वायलेशन कि किसी आधार पर आदिवासी का जमीन जो है कोई ले नहीं सकता है। तो मैंने कहा SEO आपने सुना कि जब इस तरह की घटना हो गई तो आपको सर्वे करना चाहिए कि किसके नाम से जो है बिजली कनेक्शन है, किसके नाम से गैस कनेक्शन है, वो जमीन बेसिकली किसका है, और ये गांव-गांव में सर्वे होना चाहिए। और यदि सर्वे नहीं होगा तो आदिवासी यहां से विस्थापन और पलायन के शिकार हो जाएंगे। संथालपुरा में आदिवासी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे अंडमान निकोबार में जो है द्वीप में समाहित हो गए आदिवासी, उसी तरह से संथालपुरा की स्थिति होने वाली है। इसका मतलब यही है झारखंड में सर यदि परिवर्तन होती है, सरकार आपकी सरकार आती है तो फिर आगे का क्या कदम होगा? एक गांव में सर्वे होगा और आदिवासी जमीन पर जिसका भी कब्जा होगा उन सारे मकानों को ढहा देंगे।